हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे थे, डाउट्स आ रहे थे कैपजेमिनी को लेकर। तो आज वीडियो में बात करने वाले हम लोग कैपजेमिनी के इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर, एग्जाम, इंटरव्यू रिजल्ट, सिलेक्शन, रिजेक्शन मेल और यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे आफ्टर रिसीविंग LOI मेल, सब कुछ आपको मैं एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग इन तक बढ़ने रहना, कुछ भी डाउट होता है वीडियो को इन तक देखने के बाद तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो जाना फ्रेंड, वहाँ भी आप लोग के काफ़ी सारे फ्रेंड्स वगैरह ऑलरेडी ज्वाइन है, जो जिससे आप लोग अपने क्वेरीज को भी पूछ सकते हो। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। बता दो फ्रेंड, कैपजेमिनी का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन करा कैपजेमिनी वेरी स्लो प्रोसेस फाइनली स्टार्टेड। ओके चलिए अब यहाँ पर हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बता दो फ्रेंड, आप लोग कुछ इस तरह का मेल देखने को आएगा, इफ़ यू क्लियर योर इंटरव्यू राउंड। सर ये कब देखने को आएगा? विद इन 7 days और आफ्टर 3 months ऑल्सो। सो यहाँ पर आपको 2 week से लेकर 3 month तक आप लोग को वेट करने होंगे इस तरह का मेल रिसीव करने के लिए। और इसके बाद आप लोग बोलोगे सर ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा, ज्वाइनिंग डेट कब आएगा, तो इसमें कोई भी फिक्स नहीं है फ्रेंड। ये आपका 10 दिन में भी आ सकता है, 12 दिन में भी आ सकता है और 4 महीने भी बाद भी आ सकता है। तो इसका कोई प्रोसेस कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हाँ आपका इस दिन आएगा ही आएगा। तो ऐसे आप लोग बस वेट करना, बस वेट करते रहना, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, बस वेट करते रहना। सच्ची बता रहा हूँ मैं फ्रेंड, ठीक है। मैं देखो मैं जो बोलता हूँ मैं एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन लेके ही बोलता हूँ, ठीक है। आप लोग देखो फिर आपके सामने कुछ इस तरह का मेल देखने को आएगा और यहाँ मेंशन क्या रहेगा, वी रिक्वेस्ट यू टू इंश्योर यू कंप्लीट द ऑल प्री रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन एज वेल एज अपडेट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आस्क ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ दिस बिफोर 29th of March। किसी का 27th of March, किसी का 26th of March है, किसी का 30th of March, किसी का 31st of March है। ओके और यहाँ पर आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, सबसे पहला बता दो फिर, पासपोर्ट साइज फोटो, 10th 12th सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो, डिप्लोमा अगर आपने किया होगा तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट, और उसके बाद का अगर आपने आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन करा होगा तो उसका डॉक्यूमेंट लगना लगेगा, ठीक है। नोट दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी कंप्लीट प्रोसेस, मार्कशीट शुड बी स्कैंड एंड अपलोड, इसको आपका मार्कशीट आपका पूरा लाइक अपलोडेड होना चाहिए, स्कैन किया हुआ, आपका 4 MB का साइज मेंशन किया हुआ है। ओके तो यहाँ पर आपका सब कुछ प्रोसेस लिखा हुआ है, किस आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, आप लोग पढ़ के आप लोग आराम से अपलोड कर देना। ओके काफ़ी इजी होता है प्रोसेस, सिंपली आपको लॉगिन करना होगा जॉइंट सुपरशॉट के अकाउंट में, वहाँ पर आपके सारे सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देने होंगे। ओके आगे बढ़ते फिर आप लोग देखेंगे तो कैपजेमिनी ज्वाइनिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ईमेल फिर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट योर ज्वाइनिंग हैज़ बीन कन्फर्म्ड ऑन 31st of March एट चेन्नई, योर ऑनबोर्डिंग विल बी कम्प्लीटेड वर्चुअली। ओके तो यहाँ पर देखो फिर इनका जो ज्वाइनिंग है लगभग 7 दिन में आ गए हैं, तो इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ओके कभी किसी का 10 दिन में, किसी का 15 दिन में देखने को मिल जाता है। प्लीज़ बी कन्फर्म योर इंटरेस्ट बाय ज्वाइनिंग अस बाय रिप्लाइंग ऑन दिस सेम मेल ट्रायल बाय 23rd, मतलब आज के दिन, बाय 12 of noon। If you are not interested in joining, reply with us completed reason the same trial by 23rd of March by 12 noon। Okay. सो फ्रेंड आप लोग यहाँ पर देखने मिल रहा है, यहाँ पर आपका फ्रेंड रिजेक्शन मेल, ठीक है, आप लोग देखने को मिल रहा होगा, योर इंटरव्यू ऑफ द प्रोफाइल पुल्ड कैंपस ड्राइव फॉर बीसीए बीएससी ग्रेजुएशन 22 batch कैपजेमिनी आर नाउ कंप्लीटेड एंड आफ्टर केयरफुली इवैल्यूएटिंग योर प्रोफाइल वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू अपॉइंट वी रिग्रेट यू आर नॉट कंसीडर फॉर द नेक्स्ट राउंड, आप लोग फिर रिजेक्शन हो गए। इस तरह आप लोग को मेल भी मैसेज भी देखने को आ जाएगा कि आपका जो कैपजेमिनी नाउ कंप्लीटेड, अनफॉर्चुनेटली योर एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड एज यू आर नॉट क्लियर द इंटरव्यू राउंड, वी विश ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गए फ्रेंड, ये रहा सारे के सारे अपडेट्स को लेकर। ओके तो आप लोग देख सकते हो। ओके आई थिंक मैंने सब कुछ भी डिस्कस कर चुका हूँ, तो कुछ डाउट तक कमेंट पूछ सकते हो, मिलते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत।